ओम शांति। वर्तमान युग में, वर्तमान समय में आज हर आत्मा ये महसूस करती है कि आत्मिक शक्ति की कमी है, विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। और इसलिए ही देखा गया कि जीवन में तनाव का अनुभव कर रहे हैं, तनाव से मुक्त होना भी चाहते हैं, क्योंकि ये तनाव होने के कारण मनुष्य छोटी सी बात में भी सहन नहीं कर पाता, इरिटेशन में आ जाता है। कोई भी बात का निर्णय लेना होता और तनाव की स्थिति में हो तो निर्णय ठीक से नहीं ले पाता, मन एकाग्र नहीं हो पाता। तो इन सब बातों को देखते हुए हर इंसान ये चाहता है कि बस तनाव से मुक्त होना चाहिए, और उसके लिए भिन्न भिन्न साधन, भिन्न भिन्न तरीके भी अपनाते हैं। आज सारे विश्व में इस बात की जागृति आ गई है कि इस तनाव से मुक्त होने के लिए मेडिटेशन ही एकमात्र साधन है जो हमें तनाव की स्थिति से मुक्त कर सकता है, या मन को एक रिलैक्सेशन का अनुभव दे सकता है। परंतु मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई एक कोने में ध्यान मग्न अवस्था में बैठ जाना है, या मौन को धारण कर लेना है, या कोई आसन लगा करके बैठ जाना है। कई बार ये भी मनुष्य समझता है कि मेडिटेशन अर्थात एक विचार शून्य स्थिति में चले जाना, लेकिन इसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता, क्योंकि मनुष्य का मन विचार शून्य कभी हो नहीं सकता। इतना तेज गति से मन चलता है, इतना तीव्र गति से चलता है, और उसको अगर सप्रेस भी किया जाए, मन के विचारों को दबाव भी लगाया जाए, तो भी कितने समय तक वो सप्रेस स्टेज में रह सकता है। देखा गया है कि कुछ क्षण विचार शून्य की स्थिति रह सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से वही तनाव उत्पन्न हो जाता है, और जिस प्रकार एक स्प्रिंग को दबा देने से वो दब जाएगी, लेकिन फिर जब छोड़ेंगे तो डबल फोर्स से चलने लगती है। इस प्रकार से मन को भी अगर रोक लिया जाए, मन के विचारों को अगर बंद किया जाए, तो कुछ क्षण तो वो बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद सारा समय तो हम बंद करके नहीं बैठ पाएंगे। फिर तो चलने लगेगा वापस मन, और जब वापस मन चलने लगता है तो तेज रफ्तार से चलने लगता। इसलिए राजयोग मेडिटेशन हमें वो तरीका नहीं बताते कि हमें कोई विचार शून्य अवस्था में चले जाना है। और वैसे भी कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर, तो मन को खाली विचारों से एकदम खाली तो करना ही नहीं है। परंतु राजयोग मेडिटेशन हमें ये दिखाता, ये सिखाता कि हमें अपने मन को एक श्रेष्ठ दिशा देनी है, श्रेष्ठ विचारों में उसको संलग्न करना है, तभी हम व्यर्थ विचारों से, नेगेटिव विचारों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आज तनाव क्या है? हर इंसान तनाव का तो अनुभव करता है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर आत्मा ये कहेगा कि हाँ, मुझे तनाव है, या मैं टेंशन का अनुभव कर रहा हूं। बच्चा भी स्कूल से आएगा तो यही कहेगा कि मुझे कल एग्जाम से उसका टेंशन हो गया है। उसको पूछो, बेटा टेंशन का अर्थ क्या है? टेंशन का अर्थ नहीं जानता, परंतु अनुभव जरूर कर रहा है। तो टेंशन है क्या चीज? टेंशन अर्थात अपने ही नकारात्मक विचारों का प्रभाव अपने जीवन पर, इसी को ही एक टेंशन का स्वरूप दे दिया है। और आज इंसान के अंदर ये भी शक्ति नहीं रही है कि वो कुछ सकारात्मक सोचे, श्रेष्ठ सोच भी सके, और इसलिए दिन प्रतिदिन ये टेंशन बढ़ता ही जाता है। और ये टेंशन में आने कारण देखा गया है कि मन और ही कमजोर होता जा रहा है, इतना कमजोर हो जाता है जो कोई भी बात का यथार्थ न फैसला कर सकता है, न यथार्थ रूप से, सही ढंग से, सकारात्मक रूप से वो सोच सकता है, इतना मन कमजोर हो गया है। जिस प्रकार देखा जाता कि आज शारीरिक रूप से अगर कमजोरी आ जाए, तो शारीरिक रूप से कमजोरी की निशानी क्या है?
कि बाहर के जो वायरसेस है, प्राकृतिक रूप में जो जर्म्स फैले हुए हैं, तो फिजिकल कमजोरी होने के कारण बाहर के वायरस अटैक करते हैं बॉडी के ऊपर, और जब बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई भी ले लेंगे, लेकिन डॉक्टर यही पूछेगा, यही कहेगा कि फिजिकल रेजिस्टेंस पावर कम होने के कारण आप ये टॉनिक, ये विटामिन ले लो, तब ठीक हो जाएंगे। परंतु जिस प्रकार मन को भी आज ये कमजोरी आने लगी है, तो वो मन के लिए है कोई टॉनिक, है कोई दवाई ऐसी कि जिससे हम उस मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके? शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए तो एक्सरसाइज भी करेंगे, दवाइयां भी ले लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे जिससे वो फिजिकल रेजिस्टेंस पावर फिर से आ जाए और एक्सटर्नल वायरसेस के सामने युद्ध करने की या लड़ने की एक शारीरिक रूप से शक्ति आ जाए। लेकिन मन जो कमजोर हो गया है, उस मन को शक्तिशाली बनाने की विधि क्या है? यही विधि है कि मन के अंदर श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करना। वो श्रेष्ठ विचारों को निर्माण कैसे किया जाता है, ये हमें राजयोग सिखाता है। जिस प्रकार एक चंचल बच्चे की चंचलता को समाप्त करना हो, तो उसको अगर मारेंगे, बांधेंगे, तो उससे कोई उसकी चंचलता समाप्त नहीं होती है, और ही वो जिद्दी हो जाता है। लेकिन उस बच्चे की चंचलता को समाप्त करना हो, तो उसको एजुकेट किया जाता है। एजुकेशन से ही उसके अंदर धीरे धीरे डिसिप्लिन आने लगती है, और उस डिसिप्लिन में आने से वो मैनर्स को धारण कर लेता और चंचलता समाप्त हो जाती है। वो क्रिएटिव बन जाता है, होशियार हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार देखा गया कि आज मन भी एक छोटे बच्चे के समान है, जो इतना चंचल हो गया है, उस बच्चे की चंचलता को समाप्त करना हो, उस मन की चंचलता को समाप्त करना हो, तो उसको भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और वो एजुकेशन कौन सा? फिजिकल एजुकेशन। दुनिया का एजुकेशन तो बहुत कुछ है, उसकी कोई कमी नहीं है। आज जो एजुकेशन की कमी है, वो है आध्यात्मिक एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। और इसके कारण ही मन वश नहीं हो पा रहा है, मन बहुत चंचलता वेवरिंग हो गया है, अनेक दिशाओं में भटकता है। ये स्पिरिचुअल एजुकेशन से ही आत्मा के अंदर वो डिसिप्लिन आ जाती है, वो रॉयल्टी आ जाती है। इसलिए इसको राजयोग कहा गया है। राजयोग अर्थात जो हमारे संस्कारों में एक श्रेष्ठता ले आता है, रॉयल्टी को ले आता है, वो ज्ञान का प्रकाश देता कि जिससे मन को वश करना, मन को किस प्रकार जीता जाए, ये विधि बताता है। जिस प्रकार शास्त्रों में भी कहा गया है कि मन अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। मन अपना मित्र कब है और अपना शत्रु कब बनता है? शत्रु तब है जब वो नकारात्मक विचारों में आ जाता है, उसके प्रभाव में चलने लगता है। लेकिन जब मन श्रेष्ठ विचारों के प्रभाव में आ जाता, श्रेष्ठ ज्ञान का चिंतन करने लगता है, तब यही मन हमारा मित्र भी बन जाता है। और यही राजयोग हमें कला सिखाता है कि राजयोग एक वे ऑफ लाइफ है। ये कोई एक जगह बैठने की या कोई सन्यासी बनने की बात नहीं है, लेकिन प्रतिदिन हर प्रकार की जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, उन हर प्रकार की परिस्थितियों का किस प्रकार हम पॉजिटिवली एक रिएक्शन में आवे या पॉजिटिवली उसको सॉल्व करें, ये राजयोग हमें दिशा देता है। और उसके लिए मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए राजयोग का पहला कदम मेडिटेशन है। हम एक श्रेष्ठ विधि को अपनाकर मन को डिसिप्लिन कर सकते हैं। अब इस डिसिप्लिन करने के लिए किस प्रकार से हमें अपनाना चाहिए, अपने विचारों को चैनलाइज करना चाहिए? जिस प्रकार देखा जाता कि एक नदी होती है, बहुत तेज वेग से बहती जाती है, और उसमें एक व्यक्ति आकर सोचता है कि इतनी पानी की शक्ति वेस्ट जा रही है, अब ये पानी की शक्ति जो वेस्ट जा रही है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। और ये सोच करके वो अगर वहां पर एक दीवार खड़ी कर दे, पानी रुक जाएगा, लेकिन
उससे उसका सदुपयोग नहीं हुआ और एक समय आएगा कि जब पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़ जाएगी, दीवार को तोड़ करके वो और भी नुकसान कर देगा। लेकिन अगर वहीं पर वो एक डैम बना दे और वो डैम के साथ साथ एक इरिगेशन सिस्टम बना दे, साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन खड़ा कर दे, तो वो जो पानी की शक्ति वेस्ट जा रही थी उसका एक संपूर्ण सदुपयोग होने लगता है। इसी प्रकार मन की शक्ति भी जो वेस्ट जा रही है, सारा दिन कितने विचारों में वो नष्ट हो रही है मानसिक शक्ति, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वही मानसिक शक्ति का संपूर्ण सदुपयोग कर सकते हैं। एक श्रेष्ठ दिशा मिलने से वो जो नुकसान कर रही है जीवन में, वो जीवन में नुकसान भी नहीं कर पाती, जिसके कारण ही मनुष्य का जीवन आज अशांत दुखी हो चुका है। तो वो दुख और अशांति से भी मुक्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए यही मेडिटेशन और राजयोग बहुत आवश्यक है। राजयोग अर्थात क्या? योग माना कनेक्शन। कनेक्शन किस प्रकार का, और कैसे पता चले कि हम सही रास्ते पर है या नहीं है? देखा गया है एक छोटा सा मिसाल कि आज की दुनिया में रिचार्जेबल बैटरीज आती है, और वो रिचार्जेबल बैटरीज जब यूज करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर से उसको चार्जर में डालते हैं, जब सोर्स के साथ कनेक्शन करते हैं तो सोर्स से जो करंट मिलता है उससे फिर से रिचार्ज हो जाती है। इसी प्रकार आज मनुष्य की मानसिक शक्ति भी इतनी यूज होते होते एक डिस्चार्ज स्टेज में आ गई है। और कैसे पता चले कि डिस्चार्ज हो गए हैं, वो आत्मिक शक्ति नहीं रही है? हर बात में डिसऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जैसे वो केमिक वो चार्जर में कैसे चार्ज हो जाती है बैटरी, तो कहा गया कि डिस्चार्ज और चार्ज होना उसमें अंतर यही है, या किस प्रकार से होती है कि उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो जब एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज में आ जाते तो उसको कहेंगे डिस्चार्ज। और फिर से उसको चार्जर में रखते हैं और सोर्स के साथ जब कनेक्ट किया जाता तो वो जो करंट मिलती है उससे वो केमिकल कंपोनेंट्स एक ऑर्गेनाइज स्टेज में आ जाते हैं, तो उसको कहेंगे चार्ज्ड हो गई। इसी प्रकार आज लाइफ में भी अगर देखा जाए तो हर रीति से मनुष्य डिसऑर्गेनाइज स्टेज में है। उसके संकल्प, वाणी, कर्म, व्यवहार, संबंध, संपर्क, हर बात में देखा जाता डिसऑर्गेनाइज स्टेज है, चाहते नहीं है हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? मुख से शब्द निकल गए, हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन शब्द निकल जाते हैं, फिर बाद में कितना भी हम उसको ठीक करने के लिए कुछ भी तरीके अपनाएं, लेकिन जो निकल गया, जैसे कहा जाता है कि तीर के घाव तो फिर भी भर जाते लेकिन शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है, वो जीवन भर तक याद रहते हैं। तो यही बताता है कि डिसऑर्गेनाइजेशन है हमारी लाइफ के अंदर, कर्म करना चाहते नहीं है हो जाता है, संबंध में किसी को दुख देना चाहते नहीं है लेकिन दे देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? एक डिसऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार जब चार्जर यानी मेडिटेशन में, योग में हम बैठते हैं, ध्यान में हम बैठते हैं, मन को एकाग्र करते हैं सुप्रीम सोर्स के साथ, ये कनेक्शन जोड़ने से जो परमात्मा से शक्ति प्राप्त होती है उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण यही है कि हमारी लाइफ में एक ऑर्गेनाइज स्टेज आने लगती है, विचारों में एक ऑर्गेनाइजेशन, वाणी में एक ऑर्गेनाइजेशन, कर्म में ऑर्गेनाइजेशन, संबंधों में, संपर्क में, हर बात में एक ऑर्गेनाइज स्टेज आ जाती है, तब कहेंगे कि हाँ, योग द्वारा हमने शक्ति को प्राप्त किया है, यही इसका प्रमाण है। जिस प्रकार कई कहानियों में हम सुनते हैं कि भाई वाल्मीकि जैसे डाकू भी अगर परिवर्तित हो जाते हैं और एक श्रेष्ठ महान आत्मा बन सकता है, तो उसका अर्थ क्या है? उसने कौन सा ऐसा योग किया, उसने कौन सा ऐसा ध्यान लगाया,
और उस ध्यान का मतलब ये नहीं है कि ध्यान अवस्था में हमें कुछ दिखाई देने पड़े लगे, कोई कलर्स दिखाई देने लगे, नहीं, इसको कोई मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। मेडिटेशन अर्थात कि हमारे लाइफ में एक परिवर्तन आने लगे और वो परिवर्तन एक श्रेष्ठ दिशा की ओर हो। जब वो श्रेष्ठ दिशा की ओर परिवर्तन आता है तब कहेंगे कि हाँ, हमारा योग सही है, परमात्मा से मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है, यही उसका प्रमाण है। और ये राजयोग मेडिटेशन, ये प्राचीन काल से परमात्मा का जो सिखाया हुआ है, गीता में भी जिसका वर्णन है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो राजयोग सिखाता हूँ जो तुम्हें राजाओं का राजा बनाता है, जो संस्कारों में श्रेष्ठ बनाता है, जो उच्च बनाता है। राजाओं का राजा अर्थात क्या? दूसरों के ऊपर राज्य करना तो सहज है, परंतु राजाओं का राजा अर्थात मन का भी राजा बनना, मन को भी कंट्रोल करने लगना, इसको कहा राजाओं का राजा बनना। क्योंकि जैसे कहा गया है कि हे अर्जुन, मन जीते जगत जीत, जिसने मन को जीता है उसने जगत को जीता बराबर है। तो मन को जीतना बड़ा कठिन लगता है और मन को जीतने की विधि ही यह है कि जब हम अपने मन को एक श्रेष्ठ दिशा दे देते हैं तो मन आपे ही कंट्रोल हो जाता है। जिस प्रकार एक घोड़ा होता है, घोड़े को वश करना है तो उसकी लगाम हाथ में आ जाने से वो घोड़ा वश हो जाता है। इसी प्रकार मन जो घोड़ा है, उस घोड़े को भी वश करना है तो उसकी लगाम हाथ में पकड़ना बहुत जरूरी है। और उसकी लगाम है ये इंद्रियां। आज मन कहां भटकता है? देखा गया है कि मनुष्य का मन अगर भटकता है तो कोई ना कोई इंद्रियों के पीछे ही भटकता है। जिस प्रकार मान लो कि सारे दिन में कोई भी इंद्रियां जब चंचल हो जाती है, जब मुख से ऐसे वचन निकल जाते हैं जो हमें निकालना नहीं चाहिए था, लेकिन बात बात में किसी से बात करते हुए कोई ऐसी बात निकल गई मुख से, फिर बाद में जब चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उस समय भी उसका एहसास नहीं होता कि हमने कुछ गलत कर लिया, मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन जैसे शांत चित एकाग्र होकर के भगवान का ध्यान लगाने बैठेंगे, उस समय वो बात याद आती है, अरे ये बात तो मेरे मुख से निकल गई जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, अब क्या किया जाए। फिर हम सोचने में लग जाते हैं, अब ऐसे तरीके अपनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार से कहेंगे, तब वो बात का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा और उसके पीछे मन चला गया। बैठे हैं भगवान को याद करने, लेकिन मन चला गया कहां? जो हमने दिन भर में मुख के माध्यम से चंचलता की, उसके पीछे मन चला गया। फिर कितना भी मन को एकाग्र करना चाहे, नहीं हो पाता है। तो इसलिए मन के भटकने के जो द्वार है, कोई ना कोई इंद्रिया है। मानो कानों के द्वारा कुछ सुन लिया, सुनते समय तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जब शांत चित एकाग्र होकर के बैठे हैं, उस समय मन चलता है, आज फलाने ने ये बात जब कही तो जरूर कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट में कही, इस रूप से कही, ऐसे कही, और हमारा मन चला जाता है। तो कहां गया? कानों ने जो व्यर्थ सुना उसके पीछे गया। ये छोटी सी बात, आंखों के द्वारा कुछ देख लेते हैं। जिस प्रकार आज मूवीज में अगर जाते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, एक 3 घंटे की पिक्चर को सिर्फ देख लिया, लेकिन उसके बाद उसका प्रभाव मन के ऊपर कितना समय तक चलता है। कोई भी बात पढ़ने बैठे, कहीं भी मन को एकाग्र करना हो और उसी समय कोई गीत बज जाता है, कानों पर पड़ जाता और तुरंत हमारा मन चला जाता है, क्या हमने देखा था किस प्रकार? तो मन के भटकने के द्वार ये कोई ना कोई इंद्रिया है, उसके पीछे ही मन चला जाता है। तो इसलिए राजयोग हमें ये तरीका सिखाता है कि जब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य करते हैं, तब मन को जीतना आसान है, क्योंकि मन उसके पीछे ही जाता है। तो इसलिए अब इंद्रियों को वश कैसे करें?
इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए आत्मिक शक्ति चाहिए। और ये आत्मिक शक्ति जब परमात्मा सोर्स के साथ मन का कनेक्शन करते हैं तभी प्राप्त होती है। जब मन को श्रेष्ठ दिशा मिल जाती है तभी ये इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती है, नहीं तो मन इंद्रियों को भटकाने लगता है और इंद्रियां मन को भटकाने लगती है। ये वैसे वर्षा इस तरह से मनुष्य जीवन चलता रहा है क्योंकि दोनों में शक्ति नहीं रही है। न मन में वो शक्ति है जो इंद्रियों को कंट्रोल करे, न इंद्रियों में वो शक्ति है कि वो कर्म में न आए, व्यर्थता में न आए। तो इसलिए राजयोग हमें वो कला सिखाता है कि किस प्रकार हम परमात्मा के साथ जब मन का कनेक्शन करते वो शक्ति को प्राप्त करते हैं, जिससे एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेज हमारी हर कर्मेंद्रियों में भी आ जाती है। और यही प्रमाण है कि हमारा योग परमात्मा के साथ ठीक है, लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। नहीं तो आज जैसे कहावत है कि एक छोटी सी ये जबान है, इस जबान में एक भी हड्डी नहीं है, परंतु चाहे तो किसकी हड्डी को तोड़ सकता है, इतनी ताकत है इसमें। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जबान, 2.5 इंच की जबान आज 6 फीट के मनुष्य को कंट्रोल कर रही है। मनुष्य में वो ताकत नहीं है जो इतनी छोटी सी जबान को वो वश में रख सके, और जब वो वश में नहीं है तो वो जीवन किस ओर जाएगा, कितना व्यर्थता में वो जीवन नष्ट हो जाता है। इसी जबान के लिए कहा जाता कि इसमें इतनी शक्ति है जो चाहे तो किसकी महिमा करके उसको राज तख्त दिला दे, और चाहे तो किसकी ग्लानी करके उसको फांसी पर लटका सकती है। इतनी शक्ति है इसमें, और जब ये व्यर्थ की ओर चली जाती, जब उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर हमारा राज्य नहीं है, तो वो जीवन को किस दिशा में ले जाता है। जीवन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और जब अनकंट्रोल्ड हो जाता और उसके बाद मनुष्य को पूछे कि आज जीवन में क्या चाहिए, कहेंगे भगवान की दया से सब कुछ है परंतु सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि जीवन में वो कंट्रोल नहीं, जीवन में वो इंद्रियों के ऊपर, वो मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए तो इसी के कारण आज जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज में आ गया है। राजयोग यही एकमात्र साधन है जो हमें गाइडलाइंस देते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन में भले कुछ भी न हो लेकिन जब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आ जाता तो मेंटल सेटिस्फेक्शन से मेंटल रिलैक्सेशन का अनुभव कर सकते, और यही मेंटल रिलैक्सेशन टेंशन से भी मुक्त स्थिति का अनुभव करा सकती है। अच्छा, ओम शांति।